नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत विशेष समस्या ओवेरियन सिस्ट के विषय में। अगर हमारे क्लिनिक पे रोज जितने भी मरीज आते हैं उसमें से हम आपको बताएं तो 5% मरीज केवल ओवेरियन सिस्ट के होते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल महिलाओं और बच्चों बच्चियों सब में पाई जा रही है और यह बहुत नुकसान करती है। आज हम आपको बताएंगे ओवेरियन सिस्ट होती क्या है और इसको ठीक करने की बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएं। बहुत सी भ्रांतियां ओवेरियन सिस्ट को लेकर विषय में हैं कि ये ट्यूमर है, कैंसर है, गांठ है, क्या चीज़ है। कोई लोग इसको कैल्शियम कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हम आपके सारे शक दूर करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ओवेरियन सिस्ट होती क्या है। ओवेरियन सिस्ट साथियों, जब ओवरी के अंदर ही जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि ओवम यानी एग को बनाता और रिलीज करता है, उस ओवरी के अंदर ही कुछ जगह पर फ्लूइड भर जाता है। तो यह जो लिक्विड फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाते हैं ओवरी के अंदर, इन्हीं को ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। यह एब्सेस से अलग होते हैं क्योंकि एब्सेस में या छालों में पस होता है, लेकिन इसमें पानी होता है। कभी पानी होता है, कभी थोड़ा सेल्स होते हैं, कभी सेमी सॉलिड होती हैं, कभी पूर्णतया ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। यही ओवेरियन सिस्ट होती हैं और कुछ ओवेरियन सिस्ट नहीं होता है। तो आप बाकी भ्रांतियां मन से निकाल दें। ओवेरियन सिस्ट साथियों दो प्रकार की होती है। एक फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, एक पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है। जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, यह एक सामान्य ओवेरियन सिस्ट होती है जो कि फॉलिकल्स के रूप में आपके अल्ट्रासाउंड में दिखती है। यह नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होती है और यह वक्त के साथ अपने आप चली जाती है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। दूसरी जो पैथोलॉजिकल सिस्ट होती है, यह इलाज का विषय होती है या कैंसरस भी हो सकती है। तो इस तरह दो प्रकार की सिस्ट होती हैं। फिर साथियों जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, वह दो प्रकार की होती है। एक होती है फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट और एक होती है ल्यूटियल ओवेरियन सिस्ट। जो फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट होती है, उसके बनने का कारण होता है कि जब आपके फॉलिकल्स जब आपके ओवरी में से एग या ओवम रिलीज होता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए जाता है, वहाँ से होता हुआ यूट्रस में जाता है, तो उस समय जब एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज होने के बाद जो उसका न्यूट्रिटिव फॉलिकल होता है वह किसी कारणवश बस्ट नहीं हो पाता है। उसका जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फ्लूइड होता है वहाँ निकल नहीं पाता है, या फिर वो बस्ट ही नहीं होता है, या वो श्रिंक हो जाता है। यह तीन कंडीशनों में से अगर कोई भी कंडीशन होती है तो वह आपके फॉलिकुलर सिस्ट के रूप में आपके पड़ा रहता है और अल्ट्रासाउंड में दिखता है। दूसरा इसी का स्थिति होती है ल्यूटियल सिस्ट। जो एग होता है उसकी कवरिंग में कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किन्हीं कंडीशन में जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद उसके बाकी सारे फ्रैगमेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम और सब ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं। कभी एक कंडीशन होती है कि वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। जब वह ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं तो वह उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वहाँ पर वो यह ल्यूटियल सिस्ट बना लेते हैं। ल्यूटियल सिस्ट का ऑपरेशन होता है या होम्योपैथी में इसको ठीक करने की दवाएं भी हैं, लेकिन यह स्वयं नहीं जाती है। फिर साथियों दूसरी तरह की सिस्ट होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट। पैथोलॉजिकल सिस्ट दो तरह की होती है। पहली होती है डर्मॉइड सिस्ट। डर्मॉइड सिस्ट वो कंडीशन होती है कि जो अब जब आपके सेल जो ओवम मेकिंग जो सेल बनाने वाले सेल्स होते हैं, जो एग बनाने वाले सेल्स होते हैं, उसी में जो है वो उस वही टिश्यू ग्रो कर जाएं इनसाइड। अगर वह टिश्यू ग्रो कर जाते हैं तो जो है वह डर्मॉइड सिस्ट के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। फिर एक दूसरा तरह का सिस्ट होता है पैथोलॉजिकल सिस्ट में, सिस्टोडेनोमास। सिस्टोडेनोमास वो
तरह की सिस्ट होती हैं, जब आपका जो एग होता है उसका जो एग फॉर्मिंग टिश्यू होता है उसके आउटर सेल्स ही ग्रो कर जाएं और वह एक स्टॉक के रूप में, वह सिस्ट वो ओवरी के अंदर नहीं होती है, वो सिस्ट ओवरी के बाहर एक स्टॉक यानी पेडंकुलेटेड किसी चीज़ से मतलब टिश्यू से वह बाहर की तरफ मैनिफेस्ट होती है। अगर वह कंडीशन है तो सिस्टोडर्मास है, उसका भी सर्जरी होती है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको सर्जरी से बचा लें। ये साथियों जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी थी कि जब आपके सामने अल्ट्रासाउंड हो तो आप ये देख तो सकें कि आपको कौन सी सिस्ट है और सिस्ट होती क्या है। बहुत से मरीज सिस्ट को सीधे कैंसर के रूप में जोड़ लेते हैं, तो ये भ्रांति आप हटा दें। या फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं आपकी ओवरी के अंदर और यह आम तौर पर मैलिग्नेंट या कैंसरस नहीं होते हैं, तो ट्यूमर को आप कैंसर न समझें। फिर साथियों कॉजेस की बात हो गई, अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। ओवेरियन सिस्ट जिनके होती है उनके तमाम सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं। आपके एब्डोमिन में पेन हो सकता है, आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पेनफुल हो सकता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, अगर यह सब पीरियड आपका इरेगुलर हो सकता है, अगर यह सब कंडीशन आपके हो रही हैं तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को रूल आउट ज़रूर कर देना चाहिए। साथियों अब चलते हैं उस सफ़र पर जिसमें हम आपको बताएंगे ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। दवाएँ बताने से पहले साथियों आपको बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि यह प्रयास केवल आपको होम्योपैथी के करीब लाने का प्रयास है, लेकिन सिम्टम आपके दवा से भिन्न हो सकते हैं और आपको दवाएं नुकसान भी कर सकती हैं। तो चलते हैं साथियों, आपको जानकारी देते हैं होम्योपैथी में ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। साथियों नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो कि ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने की है वह है एपिसमेल। एपिस मेलिफिसिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार, आप कोई भी कंडीशन हो जिसमें कि आपको ओवेरियन सिस्ट हो, चाहे आपको प्यास ना लगती हो, चाहे आपके स्टिंगिंग टाइप पेन बॉडी में होता हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने की सबसे नंबर एक दवा एपिस 30 है। एपिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप लेना शुरू कर दें, बहुत संभावना है ओवेरियन सिस्ट पे कहीं ना कहीं काम करेगी और आपके ओवेरियन सिस्ट को ठीक कर देगी। सबसे पहले साथियों बताते हैं जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपके लेफ्ट साइड ओवेरियन सिस्ट निकली, तो अगर आपके लेफ्ट ओवरी में ओवेरियन सिस्ट निकली है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेकैसिस। लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट हो यानी लेफ्ट साइड ओवरी में सिस्ट हो, आपको पीरियड आता हो, उसमें क्लॉट्स आते हों ब्लू कलर के, रात में सोने के बाद आपकी तकलीफें बढ़ती हों, चाहे वो घबराहट हो, चाहे वो उलझन हो, चाहे वो पेन हो, उस कंडीशन में लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की लेकैसिस बहुत कारगर दवा है। यह दवा लेने से आप लाभ पा लेंगे और आपकी सिस्ट डिसॉल्व होने की बहुत सी संभावना उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी साथियों स्थिति आती है कि आपके राइट साइड ओवेरियन सिस्ट हो गई हो, अगर आपके राइट ओवरी में सिस्ट हो गई है तो इसको भी दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 1 mg में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट हो, वह आपको तकलीफ दे रही हो, आपके पेट में गैस भारीपन और गुड़गुड़ाहट बनी रहती हो और आपका मेंसेस इरेगुलर हो, उस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की बहुत ही कारगर दवा लाइकोपोडियम है। साथियों दो बड़े अच्छे मदर टीचर हैं जब आपके पेनफुल मेंसेस हो रहा हो और आपका ओवेरियन सिस्ट हो, तो अगर आपके ओवेरियन सिस्ट है और आपके पेनफुल मेंसेस हो रहा है उस स्थिति में आप 2 मदर टिंचर ले सकते हैं। पहला मदर टिंचर है फ्रेक्सिमस अमेरिकानस और दूसरा मदर टिंचर है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में लें और फ्रेक्सिमस अमेरिकानस मदर टिंचर में ले लें दिन में 5-5 बूंद दिन में 3 बार,
जबकि आपके पेनफुल मेंसेस का सिम्टम विथ ओवेरियन सिस्ट हो, उस स्थिति में यह दो दवाएं आपका ओवेरियन सिस्ट भी ठीक कर देंगी और आपके मेंसेस को भी ठीक कर देंगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम भी होता है ओवेरियन सिस्ट का, कि इंटरकोर्स के टाइम पे आपके पेन हुआ, जब आप अपने संबंध बना रहे हैं तो आपको उसमें पेन होने लगा। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि इंटरकोर्स के टाइम पे आपको पेन हो रहा हो, संभोग के टाइम पे आपको पेन हो रहा हो, उस स्थिति में उस सिम्टम पे ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की सबसे कारगर दवा एपिस मेलिफिसिया है। आप एपिस मेल 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पेनफुल इंटरकोर्स भी खत्म हो गया और आपकी ओवेरियन सिस्ट भी गायब हो गई। फिर एक कंडीशन आती है साथियों की, जब आपके लोअर एब्डोमेन का पेन हो रहा हो ओवेरियन सिस्ट के केस में और आपके पैरों तक जा रहा हो, आपके पैर कटे कटे से लग रहे हैं, तो अगर यह कंडीशन आप में लग रही है और आपको ओवेरियन सिस्ट है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जिंकम मेट। जिंकम मेटालिकम 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले लें। जब आपके जो ओवेरियन सिस्ट के कारण आपके लोअर एब्डोमेन में पेन है, वह पूरा पैर तक जा रहा है और पैर कटा कटा लग रहा है, तो यह दवा निश्चित रूप से आराम देगी, जिसका कि नाम जिंकम मेट 30 है, और आपकी ओवेरियन सिस्ट को भी यह ख़त्म कर देगी। फिर एक कंडीशन आती है जो बहुत कॉमन है कि आपके बहुत कम पीरियड हो रहा है, बहुत कम मेंसेस हो रहा है और आपके ओवेरियन सिस्ट है, तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो गई है और आपको पीरियड बहुत स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है, उस स्थिति में उस सिम्टम पे ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला निग्रेंस। पल्सेटिला 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप ओवेरियन सिस्ट को दूर करने की उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पीरियड बहुत स्कैंटी होता हो, मेंसेस बहुत स्कैंटी होता हो, आपको प्यास ना लगती हो, खुले वातावरण में आपको ज़्यादा आराम मिलता हो और सांत्वना देने से आपको सुकून मिलता हो। अगर यह दिमागी सिम्टम आप में है तो आपकी दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला का मरीज मृदुभाषी होता है, शांत होता है, अच्छी बातचीत करता है। अगर आप अपने को देखती हैं इस सिम्टम में तो आप पल्सेटिला ले लें, आपका ओवेरियन सिस्ट ठीक हो सकता है। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि बहुत ज़्यादा पीरियड हो रहा है, आपके ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुई अल्ट्रासाउंड में और आपके बहुत ज़्यादा पीरियड हो रहा है, तो अगर आपका मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा सबाइना है। आप सबाइना 1 mg/hr की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। जब आपका मेंसेस बहुत ज़्यादा होता हो, आपके पेट में गैस बहुत बनती हो और उससे आपको तकलीफ होती हो, उस कंडीशन में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सबाइना है। सबाइना 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आपका हैवी पीरियड्स भी बंद कर देगी और उसके कॉज ओवेरियन सिस्ट को भी ख़त्म कर देगी। एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके बहुत पेन लोअर एब्डोमेन में हो रहा है और जब आप स्टूल पास कर लेते हैं, पॉटी हो आते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पेन ख़त्म हो जाता है, तो अगर यह कंडीशन आप अपने में ओवेरियन सिस्ट के केस में यह सिम्टम देखती हैं तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा पैलेडियम है। आप पैलेडियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आपको स्टूल पास करने से मोशन जाने के बाद आपके आराम मिलता हो, आपको इसमें पेन में लोअर एब्डोमेन के, उस स्थिति में पैलेडियम 30 निश्चित रूप से बहुत कारगर दवा है। फिर एक कंडीशन आती है जब आपका इरेगुलर मेंसेस हो रहा हो, इरेगुलर पीरियड हो रहा हो और उसके कारण आपका ओवेरियन सिस्ट भी हो और आप परेशान हो रही हो, तो अगर आपके इरेगुलर मेंसेस है और ओवेरियन सिस्ट है और इरेगुलर मेंसेस उसका सिम्टम है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सीपिया है। आप सीपिया सक्कस 30 mg/hr में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगी कि आपका इरेगुलर मेंसेस होने का सिम्टम अगर है तो ये दवा लेने से उस सिम्टम में ओवेरियन सिस्ट आपकी ठीक हो गई और आप आराम पा गई। फिर एक कंडीशन आती है जिसमें कि आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो आपके ओवेराइटिस निकली, यानी ओवरी में इन्फ्लेमेशन निकला, ओवरी में सूजन निकली और ओवरी में सिस्ट निकली, तो अगर यह स्थिति आप में होती है कि आपके ओवेराइटिस हो, यानी ओवरी में आपके इन्फ्लेमेशन हो जो अल्ट्रासाउंड में निकला हो और आपके ओवेरियन सिस्ट हो, उस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट को खत्म करने की बहुत कारगर दवा है कोनियम। आप कोनियम मैकुलेटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगी
कि आपकी ओवेराइटिस भी ठीक हो गई, ओवरी का इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो गया और आपकी ओवेरियन सिस्ट भी चली गई, तो आप इस दवा को ज़रूर लेके देखें ओवेरियन सिस्ट के केस में। फिर साथियों, नॉर्मली देखा जाता है कि ओवेरियन सिस्ट पड़ती है तो अगर आपके राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट है और उसमें जलन बहुत हो रही है, आपके राइट साइड लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है, अगर वह कंडीशन आप अपने में देखती हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली आयोडेटम है। आप काली आयोड 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकती हैं कि जब आपके राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट हो और वहाँ बहुत जलन और पेन कर रही हो, राइट साइड लोअर एब्डोमेन में आपके पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में आप काली आयोड 30 ले लें, आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो गई, आपकी ओवेरियन सिस्ट चली गई। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका जो यूट्राइन रीजन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, उसमें आपको बहुत गर्म लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, अगर आपके यह स्थिति हो कि आपका एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में आपको बहुत गर्म लग रहा हो, राइट साइड आपको गर्मी महसूस हो रही हो, हीट महसूस हो रही हो, उस स्थिति में ओवेरियन सिस्ट को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा लैक कैनाइनम है। आप लैक कैन 30 पावर में 2 बूंद उस स्थिति में ले लें जब आपके लोअर एब्डोमेन, यूट्राइन रीजन और राइट साइड आपके जलन नहीं हीट गर्मी महसूस हो रही है, तो आप लैक कैन ले सकती हैं। लैक कैन लेने से आपका ओवेरियन सिस्ट, अगर यह सिम्टम आपके मैच कर गया तो आपके ओवेरियन सिस्ट को यह ठीक कर देगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके ओवेरियन सिस्ट है और आपके जलन लोअर एब्डोमेन से चली और पूरे पेट तक आई और फिर लोअर एब्डोमेन तक गई, तो अगर इस तरह का आपके जलन हो रही हो कि वह जलन आपके लोअर एब्डोमेन से उठ रही हो और पेट तक आ रही हो, उस कंडीशन में होम्योपैथी में उस कंडीशन को, ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने की बहुत कारगर दवा लिलियम टिग है। लिलियम टिग 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप इस कंडीशन में ले लें जब आपके एब्डोमेन में जलन हो रही हो और वह आपके पेट तक आ रही हो जलन, और फिर पेट से वापस एब्डोमेन तक जा रही हो, तो लैक कैन आपके ओवेरियन सिस्ट के केस में बहुत फ़ायदा करेगी, ओवेरियन सिस्ट को ख़त्म करके आपकी सर्जरी को बचा लेगी। ये कुछ दवाएं थी आपके लिए ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने की। मैं फिर बता दूं कि यह एक प्रयास है होम्योपैथी को आपके करीब लाने का, दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि कोई भी दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर साथियों आपको हमारा यह वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, आपको यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा नया सा नया वीडियो पाते रहिएगा। धन्यवाद।